así. Tengo a mi hijo, tu mejor chaco, me tu perigra. बेहोश हो गई हैं और अचानक से जब होश आ रहा है तो सब कुछ बताइए. आई एम बेहोश. ये तो बेहोश है. ठीक है ठीक है, मैं डॉक्टर. सी बेसिकली अभी का माहौल वो ये है कि साची बेहोश हो जाती है. ऐसा कुछ हादसा होता है कि वो कोमा में चली जाती है और मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ. मैं भगवान से दुआ मांगता हूँ कि साची जल्द से जल्द ठीक हो जाए. और यस, सडनली उनको होश आ जाता है और मैं बहुत खुश हो जाता हूँ. और या वही है. जी साची, क्या कहना चाहिए, क्या ऐसा देख लिया आपने सपने में? बहुत ही भयानक सपना था कि किसी बीवी के लिए, मतलब जिससे वो प्यार करती है, ऐसा सपना किसी को ना आए. वो सपना क्या था वो बहुत ही सस्पेंस है. वो आप प्लीज़ देखिएगा, मैं ऐसे नहीं बता पाऊँगी. तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा. प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कहानी काफ़ी चेंज हो गई है. अभी साची मेरी धर्म पत्नी हो गई है और हमें थोड़ी नज़दीकी अभी आ रही है. वी आर ट्राइंग टू वर्क अ मैरिज आउट. तो ऑफकोर्स जब हमारी शादी हो जाती है और ये हादसा हो जाता है तो ऑफकोर्स मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ. और बस अभी वजह क्या है, साची क्यों कोमा में जाती है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा. शुक्रिया. लास्टली अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहिए? फैंस को ये मैसेज दूंगी कि बहुत ही उथल पुथल मची है इंस्टाग्राम और मीडिया पर कि वीर के अपोजिट जो नई लड़की आई है तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या साची वीर के साथ नहीं है तो बहुत पसंद नहीं आ रहा है लोगों को. शायद आप लोगों को नहीं पसंद आ रहा होगा, लेकिन हर एक चीज़ की एक वजह होती है, एक मजबूरी होती है. तो बस वही साची की मजबूरी है कि उसी प्यार की वजह से साची कबीर के पास गई है. और ऐसा नहीं है कि साची वीर से प्यार नहीं करती इसलिए वो कबीर के पास गई है. बस कुछ मजबूरी है और भी वो वीर को और परेशान नहीं करना चाहती इसलिए वो वीर की ज़िंदगी से चली जाती है. और अगर कोई नई लड़की आती है उसकी ज़िंदगी में जो उसे सुधार सके, उसकी ज़िंदगी में खुशी ला सके, तो उसके लिए साची बहुत खुश है. तो बस यही वजह है. तो प्लीज़ आप मुझसे नफरत ना कीजिए. और ऐसा नहीं है कि लीड कौन है, बस शो और स्टोरी हमारे लिए एक हीरो है और हम उस स्टोरी को हीरोइक बनाने के लिए बस उसके लिए काम कर रहे हैं. किरदार है जो उस स्टोरी में काम कर रहे हैं. तो बस आप स्टोरी, आपको स्टोरी पसंद आए यही हमारी इच्छा है और अपेक्षा है. और बस देखते रहिए हमारी सावित्री देवी की, कबीर और साची की अभी अलग लव स्टोरी होगी, वीर और मिश्री की अलग लव स्टोरी होगी. तो आपको दो दो लव स्टोरीज देखने को मिलेंगी इसी एक शो में. तो देखने के लिए प्लीज़ देखते रहिएगा. साची, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया. मैं तो